ये जो महीना चल रहा है अभी, और जो इस महीने की जो फिजा है पूरी दुनिया में बनी हुई, जो हाल अभी है बड़े दरख्सा को लेकर के, उस पर मैं देख रहा था कुछ, तो उसमें एक नज़र मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने कहा कि वो आप लोग सामने पेश किया जाए। एक उजड़ा सा, एक बर्बाद सा जो है वो बेहाल सा मुल्क है, जिसको दुनिया मुल्क भी नहीं मानती है। वहाँ स्कूलों पे, हॉस्पिटलों पे, यहाँ वहाँ आवाम पे लगातार बम बरसते हैं। वो मुल्क अगर बोल सकता तो कुछ ऐसे बोलता। ये नदम जो है इमरान प्रताप गड़ी प्रभाव की, ये मेरे कौम के हुक्मरां भी सुने, ये मेरे कौम के हुक्मरां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां को सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते भी नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते भी नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे कि मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फिलिस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, गौर करें हुसैन और फारूक ने जो है वो फलस्तीन को फतह किया था। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, ऊंट पे अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पे अपना खादिम बिठाए हुए, मेरे इस सरजमी पे उमर आए थे। गौर करें वो वाकई, आपको याद करें कि सैयद उमर फारूक जो दाखिल हो रहे थे फिलिस्तीन में, तो जो उनका वो टर्न था, तो खादिम जो है उनके उस पर बैठा हुआ था, और खलीफा जो है वो ऊंट का जो है वो नकील पकड़े हुए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए मेरे इस सरजमी पर उमर आए थे, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा, जर्रा जर्रा में अल्लाह हू अकबर लिए, जर्रा जर्रा में अल्लाह हू अकबर लिए, खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आखिरी बंद है कि ना ही रोएंगे और न मुस्काएंगे, ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे। मुस्काएंगे क्यों नहीं, क्योंकि मुस्काने के वहां ही नहीं मामला, लगातार बहुत प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नगमे शहादत की ही गाएंगे। ये जो नगमे शहादत की बात है, अभी एक वीडियो रिलीज हुई थी, लगातार व्हाट्सएप पे आ रहा था वीडियो, एक बच्चे को जो है वो पैर से दबा के मार रहा है, वो एक इसराइली फौजी, और बच्चा जो है आखिरी वक्त में छोटा बच्चा है 11-12 साल का, माशाल्लाह। नहीं रोएंगे और ना मुस्काएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे, अपना बैतुल मुकद्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबी
सितम ढा रहे अब रहा की तरह, जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनके खातिर मैं सामान तौहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ।